कोयलांचल का धनबाद का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में लापरवाही इस कदर हावी है कि आम आदमी के साथ जनप्रतिनिधि खासकर सत्ता पक्ष के विधायक भी दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। मामला धनबाद के पीएमसीएच का है, जहां दर्द से कहराते मरीज को इसलिए भर्ती नहीं लिया गया कि उसकी पैरवी एक विधायक कर रहे थे। धनबाद के पुटकी क्षेत्र के रहने वाले मानिक गोप हाथ फ्रैक्चर होने के बाद धनबाद के पीएमसीएच इलाज कराने पहुंचे, मगर मरीज दर्द से कहराता रहा और उसे भर्ती लेने के बजाय पीएमसीएच के कर्मियों के द्वारा मरीज के परिजनों को हाथ में दवा की पर्ची थमा दिया गया। दर्द कम करने की दवा और प्लास्टर करने का सामान बाहर से लेकर आइए, फिर मरीज को भर्ती किया जाएगा। लेकिन मरीज के परिजन के पास पैसे नहीं होने के कारण परिजन ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा को फोन कर पीएमसीएच के कर्मियों से बात करा दिया, मगर कर्मियों ने विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद गुस्से में विधायक खुद पीएमसीएच पहुंचे। लेकिन क्या आम लोग जनप्रतिनिधि को भी पीएमसीएच के कर्मियों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया? मैंने पेन किलर वगैरह पाउडर वगैरह कुछ नहीं है पीएमसीएच में कहा, वो तो आपका देखिए ये पेशेंट बैठा हुआ है, ये कर रहा है ये इस प्रकार से, और इस प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इसको ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने एक प्लास्टर करने का ना पाउडर है टेंडर, ऐसा थोड़ी ना कि इमरजेंसी में कोई ऐसा भी नहीं होगा, बोले मानवता नाम की चीज नहीं है कोई, हो जाएगा वो, इसलिए हम लोग इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का विचार देखा है। और साथ इतना पैथेटिक है ये सीन, हमको तरस आ रहा, हम रोक नहीं पाया अपने, जब कल्चर रहेगा तो सब लोग बोलता है, सुबह बात कीजिए, दो डॉक्टर हमको बता रहे की बोलिए क्या बोले उनको, उन लोग किचन क्या किस बात ऐसे जाना पड़ेगा, बड़ा हुआ है इसका क्या कंडीशन है देखिए, इसको देख के तरस आ रही है, बोलिए ये गरीब बेचारा ये आया देहात से। वहीं इस लापरवाही पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जब हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ हो सकता है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। साथ ही विधायक राज सिन्हा ने कहा कि अगर पीएमसीएच अस्पताल नहीं चलाना है तो इस पर ताला लगा दो। अरे गरीब आदमी है जर्मा का, बेचारा फोन किया कि हाथ टूट गया है, कोई देख दे रहा, हम फोन से बात किए, कोई अजीत कुमार बाली साला हमसे भी बदतमीज की तरह बात करता है, और उसके बाद यहाँ आए तो कोई देखने वाला नहीं है, डेढ़ घंटा से पड़ा हुआ है, जो दो दो इंटर्न लेडी हैं वो लोग भी हमसे, हमको बता रहे कि एयर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में चले जाइए, जब हमारे साथ ये बिहेवियर है और लोग साथ क्या होता होगा, और इसीलिए सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल दोनों को हम बुलाए हैं, बोले कि कर चलाना है ठीक ठाक चलाइए, आप लोग ताला बंद कर दीजिए, क्या मतलब है, सरकार प्रयास कर रही है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए इसको, और यह स्थिति है कि एक पेन किलर नहीं है, प्लास्टर करने का पाउडर नहीं है, हम सेक्रेटरी को भी खबर किए हैं, स्वास्थ्य विभाग के सचिव को देखिए। वहीं पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने कहा कि पीएमसीएच में दवा की कमी है, इसके लिए टेंडर हुआ है, जल्द दवा उपलब्ध होगा। साथ ही कहा विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। हम देख रहे हैं जिसके मतलब इसके लोग उसे पूछा जाएगा क्यों किया है, जो दोषी पाएगा कार्रवाई होगी उस पर, दवा का हो तो है लेकिन हम लोग उसको तुरंत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो जाएगा, टेंडर हुआ था, टेंडर से सप्लाई जिस सप्लायर को ऑर्डर दिया गया सप्लाई नहीं कर पाया, हम लोग फिर से उस प्रक्रिया में सुधरेगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं।